हेलो, नमस्ते, कैसे हैं सब? आई होप सो अच्छे ही होंगे। आज मैं तैयारी कर रही हूँ मेहंदी लगाने की, बालों में। खुद से आप कैसे मेहंदी लगा सकते हैं? मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और देखो, अब मैं खुद से ही लगा लूँगी मैं अपने बालों में मेहंदी। किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक हाथ से थोड़ा इनको सेपरेट करते हुए और अच्छे से मेहंदी इन पर अप्लाई कर दूँगी मैं सारे बालों पर। देखो, मेहंदी लग गई है। जो ये एक्स्ट्रा लग गई है तो इसे मैं ख़राब कपड़े से पोंछ दूंगी अच्छे से, ताकि निशान ना छोड़े। और अब मेरा मेहंदी लगाने के बाद मैं अपना एक बेड साफ़ करूंगी, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी उठ गई हूँ तो मेरे पास टाइम है। तब तक मेहंदी भी सूख जाएगी और मेरा थोड़ा सा काम हो जाएगा। तो आज मैं पायल के रूम का बेड साफ़ करूँगी, जिसमें अपनी चादरें वगैरह रखती हूँ। देखिए आप आगे कि मैं कैसे अपने बेड को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और देखो, मैंने सभी जगह से मेहंदी को क्लियर कर दिया है, अब कोई निशान नहीं। देखो अपने आप में कितनी सुंदर मेहंदी लग गई। देखो ये बेड है, इसमें मैं रखती हूँ सारे चादरे वगैरह, सोफे के कवर वगैरह। देखो ये कितना मैसी हो रखा है। मैं सारा सामान इसका बाहर निकाल के और इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद सारा सामान सेट करूँगी इसमें। तो चलिए करते हैं। सभी बेडों में एक ये कपड़ा बिछा के रखती हूँ नीचे,
लेकिन फिर भी कितनी धूल आ जाती है। अभी आपने देखा मैंने सफाई की तो कितनी धूल निकली। देखो मैंने सारे में कपड़ा लगाया, अब ये मैं इसमें लगा रही हूँ। मेरी जो डबल बेड की बेडशीट है वो सारी एक तरफ, ये डबल बेड की ही है सारी। यहाँ पे रख दूंगी मैं सारे सोफे के कवर। एक नीचे एक मेरे पास तीन हैं, दो नेट के हैं वाइट और एक ये है वेलवेट के। एक सोफे के कवर ये हैं और एक ये हैं, ये टोटल पांच जोड़ी सोफे के कवर हैं मेरे पास। और दो जोड़ी अभी लगे हुए हैं, तीन जोड़ी सोफों पे। ये दीवान सेट है जो पूरा सेट होता है दीवान का, इन्हें भी मैं सबको एक साथ रख दूंगी। ये चादरें हैं दीवान की, पर ये पूरा सेट नहीं है। इधर मैं रख रही हूँ, मेरे पास जो कुछ नई चादरें हैं जो अभी मैंने यूज नहीं की हैं वो मैं इन्हें इधर एक साथ रख दूंगी सब। इधर मैं कुछ कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ये हल्के हल्के से दो कंबल रख दिए हैं मैंने यहाँ पे, और इसके ऊपर रख दिए हैं ये सारी गर्मी की चादरें जो गर्मियों में इस्तेमाल होंगी। इस पन्नी में मैंने सारे खाली बैग रख दिए हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये भी मैं इसी में रख दूंगी यहाँ पे। और इस बैग में मैंने रखे हैं अपने सारे कुशन कवर, क्योंकि कुशन कवर इचल विचल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सभी इसी में पैक करके रख दिए हैं, जब ज़रूरत हो इसी में से निकाल लो। और ये राउंड पिलो कवर हैं तीन जोड़ी, और ये इसमें मैंने ये यहीं पर रख दिया। ये हैं टेबल रनर जो टेबल पर डालते हैं, वो भी यहीं पर रख दिए हैं। देखो ये वही बेड है जो कितना मैसी सा हो रखा था, अब सेट कर दिया तो इसमें और भी कितना सामान आ जाएगा। तैयारी कर रही हूँ फेस पैक लगाने की, तो ये मैं फेस पैक बना रही हूँ। एक चम्मच मैंने कॉफ़ी ली है और ये छोटी चम्मच है, दो चम्मच शहद लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ये तैयार हो गया है फेस पैक। अब जब तक मेरी मेहंदी सूख रही है तब तक मैं फेस पे पैक लगाती हूँ ये वाला। तो इसके लिए मैं गुलाबारी से अपने फेस को पहले क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत डस्ट लग जाती है। देखो कितनी डस्ट लगी है फेस पे। अभी मैं दूसरी तरफ से इसे पलट के इसे भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से काम में लगी हुई थी तो धूल हमें दिखती नहीं है, लेकिन बहुत धूल होती है घर में भी। और आप गर्दन को भी अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि फेस पैक गर्दन पे भी अप्लाई होता है। देखो कितनी गंदी हो गई है रुई। अब मैं टॉवल से अच्छे से साफ़ करके अपने फेस को फेस पैक लगा लूँगी। तब तक मेरी मेहंदी भी हो जाएगी और फेस पैक भी लग जाएगा। ये वही कॉफ़ी और शहद है जो मैंने घोल रखा था, इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से मिक्स करके अप्लाई कर लूँगी। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैंने तो हाथ से ही लगाया है। इसको आप अच्छे से अप्लाई कर लें पूरे फेस पे। फेस पैक लग गया है, अब देखो तैयार है। जब तक मेरी मेहंदी सूखेगी और ये पैक भी तैयार हो जाएगा, मेहंदी भी तैयार हो जाएगी और फेस भी। 20 से 25 मिनट में इसे छोड़ दूंगी अच्छे से रब करके, फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आपको दिखा।
मैं नहा के आ गई हूँ। देखो स्किन देखो कितनी अच्छी स्मूथ हो रखी है, और मेहंदी भी अच्छे से रच गई है मेरे बालों में। देखो बिल्कुल कहीं भी कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत क्लियर बाल हो गए हैं। और हो जाती हूँ थोड़ा सा तैयार, तैयार होने में बस सिंदूर बिंदी और थोड़ी सी लिपस्टिक। ओके अब हो गई हूँ मैं थोड़ी सी तैयार, अब करती हूँ आगे का काम। मिलती हूँ अपनी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बस आज इतना ही, बाय बाय।